डीएसपी गोपाल कृष्ण चौधरी के निर्देश पर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। स्वर्ण व्यवसायी के साथ हुआ 10 लाख की ठगी का खुलासा। ठगी करने वाले गिरोह के 5 सदस्य हुए गिरफ्तार। पुलिस की वर्दी पहनकर दिया गया था 10 को ठगी की घटना को अंजाम। आज स्वाट टीम प्रभारी उमाशंकर त्रिपाठी, सर्विलांस टीम शशिकांत कोतवाली, चंदन कुमार की संयुक्त टीम ने किया गिरफ्तार। पुलिस ने अभियुक्त विनोद कुमार बाबर खां, अनिल कुमार पांडे, दुर्ग विजय उर्फ डब्लू और सुड्डू गौड़ को किया गिरफ्तार। पुलिस ने अभियुक्तों के पास से 2,58,000 रुपए नगद व आभूषण किए बरामद। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त वाहन भी किया बरामद। अभियुक्तों के खिलाफ कोतवाली थाने में धारा 406/420 के तहत मुकदमा दर्ज था। पुलिस ने अभियुक्तों को कोतवाली थाना के अमहट घाट पुलिया के पास से गिरफ्तार किया। पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद अभियुक्तों के खिलाफ धारा 411, 171, 467, 468, 471, 473 की बड़ी कार्यवाही की, 73 की बढ़ोतरी की। आईएसपी गोपाल कृष्ण चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस घटना का खुलासा किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीओ सिटी विनय चौहान भी मौजूद रहे। अभियुक्तों के तुलसीपुर के स्वर्ण व्यवसायी आकाश सोनी से की थी 10 लाख की ठगी। अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में स्वाट टीम के हेड कांस्टेबल रमेश कुमार यादव, धर्मेंद्र कुमार, पवन तिवारी, अवनीश सिंह, कांस्टेबल शुभेंद्र, अभिलाष सिंह का योगदान रहा। ये स्वर्ण व्यवसायियों से ठगी करते हैं। पहले ये दुकान पर जाकर उनको दिखाते हैं सोना हल्का सा और कहते हैं कि ये हमारे पास कुछ खुदाई में मिला है, या कोई और कहानी बनाते हैं कि हमारे पास ज्यादा अमाउंट है, आपको हम सस्ते में बेचना चाह रहे हैं। तो इसी क्रम में हमारे यहाँ पे बस्ती में एक बलरामपुर के व्यवसायी को बुलाया गया, उनसे पैसे लेके बुलवाया गया और उनसे फिर ये 5 लोगों गैंग था। पहले उनसे इन्होंने फोन पे बातचीत की, उसके बाद एक आदमी जैकेट पहन के और नीचे खाकी कलर का पैंट पहन के ताकि पुलिस टाइप लगे, वो लोग आके एकदम उनको पूछताछ करके डराते हैं। तो इस बहाने में वो फिर पैसे लेकर धोखाधड़ी करके फिर भाग जाते हैं। तो इसमें यूजली छोटे मोटी घटनाएं ये और भी कर चुके हैं, डर के मारे लोग पुलिस को रिपोर्ट नहीं करते हैं। इसमें तुरंत हमारे यहाँ पे एफआईआर पंजीकृत की गई, उसमें 5 लोग अरेस्ट हुए हैं, विनोद कुमार, बाबर खां, अनिल कुमार, दुर्ग विजय, सिड्डू। इसमें बाबर खां ने अपना नाम बदलकर पहले इससे फोन पे बातचीत की थी, फिर बुलाया गया था। इसमें 2,58,000 रुपये नकद बरामद हुई है, 1 अरब पीली धातु की चैन और कुछ ज्वेलरी जिनकी रसीद भी है बरामद हुई है। कुछ पैसे से इन्होंने ज्वेलरी खरीद ली थी, 1 सेंट्रो कार और 2 मोटरसाइकिल और 1 फोन जो घटना में प्रयुक्त हुआ है बरामद हुआ है। ये टीम ने बहुत अच्छा काम किया है, टीम को 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया। इसमें एक अपराधी का चोरी का आपराधिक इतिहास है, बाकी मैं अभी तक कोई मिला नहीं है, लेकिन ये घटनाएं कबूल करना एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो हम बाकी जो पीड़ित है उनसे भी संपर्क का प्रयास कर रहे हैं, अग्रिम कार्रवाई प्रचलित। सर, पुलिस की वर्दी पहनकर घटना, वर्दी नहीं थी, ऊपर जैकेट था और नीचे बता रहे हैं कि पूरी वर्दी नहीं थी, हमने फुटेज भी चेक करा, तो जस्ट ये कहानी बना देते, कभी एसओजी की कहानी बता देते थे, कभी ये बता देते, तो ये दबाव में लाने के लिए। इसके पहले भी कोई घटना वगैरह? हमारे यहाँ कोई घटना नहीं है, बाकी जनपद की बता रहे हैं, तो हम उसको वेरीफाई कर रहे हैं, अभी विक्टिम सामने नहीं आए। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।